ललितपुर जीआरपी पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब उन्होंने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से लूट के मोबाइल और अन्य सामान भी बरामद किया गया है। जीआरपी थाना अध्यक्ष संजय सिंह अपने हमराही सिपाहियों के साथ रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग पर थे। ठीक उसी वक्त दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। यह दोनों रात में ट्रेन से चोरी और छिनैती करते थे। दोनों बदमाश अलग अलग प्रांत के बताए जा रहे हैं। दोनों शातिर बदमाशों के कब्जे से 9 मोबाइल, 4 चांदी की बिछिया व अन्य चोरी का माल बरामद कर उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजा गया है। दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं और अंतर्राज्यीय चोर हैं जो निरंतर ट्रेनों में छिनैती और चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे। रेलवे अनुभाग झांसी महोदय श्री हिमांशी कुमार साहब के आदेशानुसार अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 18/6/2018 को मूल थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह व उप निरीक्षक शेरपाल सिंह व हमराही कर्मचारी गणों द्वारा रेलवे स्टेशन ललितपुर से ट्रेनों में चोरी व छिनैती करने वाले दो प्रांतों के निवासी दो साथी अंतर्राज्यीय चोर अरब को गिरफ्तार कर थाना जीआरपी ललितपुर के पूर्व में पंजीकृत 5 चोरी व छिनैती के अभियोगों का अनावरण करते हुए चोरी गए 9 अदद मोबाइल, 4 बिछिया चांदी सहित अन्य भारी मात्रा में चोरी का माल बरामद किया गया। सभी अभियुक्त साथी किस्म के अपराधी व अंतर्राज्यीय चोर हैं जो निरंतर ट्रेनों में छिनैती और चोरी की घटनाएं करते थे। अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ की जा रही है। अभियुक्तों का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। इनके विरुद्ध दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश में काफ़ी अपराध हैं जिनका पता लगाया जा रहा है। जीआरपी ललितपुर द्वारा की गई इस कार्रवाई से निश्चित रूप से आपराधिक घटनाओं में कमी आएगी। न्यूज़ बीके के लिए ललितपुर से मनोज जैन की रिपोर्ट।